हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक टू रिमेंबर शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ लव्ड पीएम। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 12 शेड्यूल्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है लिस्ट द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड शेड्यूल है लिस्ट द सैलरी ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट, जज एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल है फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ ऑफिसेस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल है प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ शेड्यूल है प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल है द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट्थ शेड्यूल है द लैंग्वेजेस। नाइन्थ शेड्यूल है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टेंथ शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन। एलेवेंथ शेड्यूल है राज्यसभा और ट्वेल्थ शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटीज़। ये हमने शेड्यूल्स एक बार जल्दी से इनको पढ़ लिया है जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। अब हम इसकी ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ लव्ड पीएम। इसको ही हम जो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं उनसे कोरिलेट करने जा रहे हैं। आप इस ट्रिक से शेड्यूल एक बार पढ़ लेंगे तो आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में है। तो यहाँ से हमने टी उठा लिया है, टी से टेरिटरी करके। उसके बाद आता है सेकेंड शेड्यूल सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इसमें से हमने ई उठा लिया है, एम्यूलमेंट्स एंड सैलरी। उसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर एंड जजेस। तो यहाँ से हमने ए उठा लिया है, अफर्मेशंस। इसके बाद आता है फोर्थ शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो यहाँ से हमने आर उठा लिया है, राज्यसभा। ओके, फिफ्थ शेड्यूल आता है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ से हमने एस ले लिया है जो कि रिलेट करता है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब को। तो ये कंप्लीट होता है टीयर्स। ओके, उसके बाद आता है ऑफ। तो ऑफ में जो ओ है उसको हम सिक्स्थ शेड्यूल से कनेक्ट करेंगे जो कि है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ से हमने ओ ले लिया अदर ट्राइबल एरियाज को रिलेट करते हुए। सेवन्थ शेड्यूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन करने को सिंपली फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ से हमने फेडरल सिस्टम यानी एफ ले लिया। इसके बाद आता है एट शेड्यूल जो कि है लैंग्वेजेस। उसके बाद है नाइन्थ शेड्यूल जो कि है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ से हमने वी ले लिया है, वैलिडेशन। टेंथ शेड्यूल आता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो ए डैश डी यानी एंटी डिफ्लेक्शन हमने ले लिया है। और एलेवेंथ शेड्यूल आता है पंचायत, तो सिंपली इससे पी ले लिया है। और लास्ट जो कि ट्वेल्थ है शेड्यूल वो है म्यूनिसिपैलिटीज़, तो यहाँ से हमने एम ले लिया है। इस ट्रिक से आप शेड्यूल्स को कनेक्ट करके पढ़िए और एक बार अपने आप से भी नोट्स बनाइए तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक के थ्रू आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। शेड्यूल्स की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सर्च करके ऑनलाइन मास्टर जी। और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑनलाइन मास्टर जी की सारे अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसका एक भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे इसके लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।